हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्री के सामने शुक्रवार को जिला महिला कांग्रेस की तरफ से बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर व पेट्रोल डीजल के बड़े दाम के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीमती शोभा संदेशा एवं पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने जिला कलेक्टर के सामने सिगड़ी जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इससे पहले राजीव गांधी भवन में महिला जिला कांग्रेस की तरफ से महंगाई के मुद्दे को लेकर जिले भर से पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विचार व्यक्त की। बाद में विरोध रैली के रूप में रवाना होकर जालौर क्लब अस्पताल चौराहा होते हुए जिला कलेक्ट्री मुख्य द्वार के पास पहुंचे और सिलेंडर और सिगड़ी रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान निवर्तमान जिला सचिव श्रीमती सरोज चौधरी, NSUI पदाधिकारी सुष्मिता गर्ग, अफरोजा बानो, पार्षद सुखी देवी समेत कई महिला कार्यकर्ताएं उपस्थित थी। जागरूक टीवी के लिए जालौर से खास रिपोर्ट।